नया रास्ता पाठ 22। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उसके कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू का पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थमी हुई लौटकर आती थी। किसी दिन यदि ज्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया था कि अमित अभी अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज न जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, इसलिए उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी के कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे, परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था, उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसकी अंतःप्रेरणा ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा हुआ अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बिठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। तभी माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय में हीन भावना ने उदास कर लिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी हालत कैसी है? हालत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है, यह बताते बताते अमित के चेहरे पर उदासी सी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, परंतु फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है, यह कहकर वह उदास हो गई। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई थी। उसने पूछा, यहाँ अस्पताल में कितने समय और रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी रहना ही पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने और? हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता है, हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली, शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजो उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही मीनू कमरे पर पहुंची तो राजो ने उसे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई है, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजो की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया और कि यह नन्ही बच्ची कौन होती है उसकी यह बात पूछने वाली। दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि यही राजो ही तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है, यदि राजो न होती तो क्या वह अकेली यहाँ रह सकती थी। राजो मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था ताकि आप आकर जल्दी ही खाना खाकर आराम कर ले। राजो की इस बात में कितने अपनेपन का एहसास था। तभी मीनू बोल पड़ी, राजो तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। दीदी
यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस परदेश में आपका ध्यान कौन रखेगा? अच्छा राजू, तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपना सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नजर राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ थी? उस समय मीनू के मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। अमित अपने इस दशा से कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उसे अच्छे से अच्छी लड़की मिल सकती थी। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या मीनू को उसके साथ विवाह करना चाहिए? परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। जब अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे? आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी अपनी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंख खुली।